हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और खुशहाल होंगे। और यह सुबह सवेरे का सीन व्लॉग है ट्यूसडे का। मोनू प्रियंका वापस जा रहे हैं मुंबई। वो लोग डबल डेकर ट्रेन चलती है यहाँ पे, उससे उनका रिजर्वेशन था, लाइक 5 आवर्स में वो पहुँच जाते हैं। तो बस ये लोग वापस जा रहे हैं, हम लोग बड़े भारी मन से हम लोग को बाय बोल रहे हैं। आप लोगों को सबके फेसेस भी दिख रहे होंगे। पता नहीं अच्छे दिन इतनी जल्दी क्यों बीत जाते हैं। और रेलवे स्टेशन जा रहे हैं सभी लोग एक्सेप्ट मैं और बच्चे, क्योंकि बच्चे लोगों का एग्ज़ाम है, उनको स्कूल भेजना है। उनका स्कूल जाने का टाइम यानी उनके बस आने का टाइम और मोनू प्रियंका के रेलवे स्टेशन जाने का टाइम बिल्कुल सेम ही था, इसलिए मैं साथ जाऊँ ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना भी बहुत ज़रूरी है। तो बस सभी लोग चले गए रेलवे स्टेशन की तरफ और साथ ही साथ मैं बच्चों को लेकर चली गई उनके बस स्टॉप तक। कार शर्मा जी ले गए थे क्योंकि स्टेशन जाना था, लगेज भी बहुत था, और मैं बच्चों को फिर पैदल पैदल ही ले गई। वैसे भी बस स्टॉप मेरे घर के बहुत नज़दीक तो नहीं पर काफ़ी नज़दीक है, वॉकिंग डिस्टेंस है। बाय बाय। Hey guys, look here. Good morning. ठंडी लग रही है, है ना? अच्छा मौसम बन गया। अमित साइड हो जाओ, साइड हो जाओ आप लोग। चल हीरो टेक केयर, ध्यान से जाना। बैग रखो बेटा अपने, यूनिफॉर्म चेंज करो, चलो वेलकम होम। हाय, देखो जूते हैं आप। यार ऐसे मत करना सानू। मम्मी और रेलवे स्टेशन से वापस लौटने के बाद शर्मा जी, मम्मी पापा सभी थोड़ा सा सो गए थे, तो मैं भी फिर ज़रा सा मैंने भी नैप ही ले लिया। और इसके बाद हम लोग सभी जागे हैं और अपने कामों पे लगे हैं। तो ब्रेकफास्ट हो रहा है बेसिकली दोपहर में, और चाय नाश्ता मैं बनाने लगी हूँ। मैं बनाने लगी थी यहाँ पे भजिया, यहाँ पे गुजरात में इसको बोलते हैं बटाका पूरी। ये है आलू के पकौड़े, बहुत अच्छे बनते हैं, एकदम क्रिस्पी टेस्टी और बहुत आसान भी हैं। बेसन में सिर्फ आपको हल्दी और मिर्ची का पाउडर डालना है, थोड़ा सा हींग डालिएगा, ज़रा सा गरम मसाला और हो गया। क्योंकि मम्मी पापा खा रहे हैं इसलिए मैंने लहसुन नहीं डाला, वरना ज़रा सा इसमें लहसुन पीस के डालिएगा, चिली फ्लेक्स डालिएगा, बहुत यम्मी बनते हैं पकौड़े। और बस ये बैटर बना लीजिए और लास्ट में डालिएगा इसमें नमक और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। बैटर को बहुत गाढ़ा मत रखिएगा वरना बहुत मोटी मोटी कोटिंग आएगी आलू के ऊपर, और बहुत पतला रखेंगे तो ठीक से कोट ही नहीं हो पाएगा। तो उस हिसाब से कंसिस्टेंसी जो है एडजस्ट कीजिएगा कि आपका जो आलू का जो स्लाइस है वो पूरी तरह कोट भी हो जाए, दिखे नहीं वो कोटिंग में से और ना ही बहुत मोटी मोटी कोटिंग आए। और बस फ्राई कर लीजिए एक एक करके सारे चिप्स,
और मुझे एक कमेंट आया था कि आप इन्हीं बर्तनों में खुद एग वेग बना लेते हो और इन्हीं बर्तनों में मम्मी पापा को खाना दे रहे हो। गाइज, मम्मी पापा लहसुन वगैरह खा लेते हैं और बर्तन तो खाने के बाद धुलते ही है ना, मेरे घर में तो बहुत अच्छी तरह से धुलते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अंडे के बर्तन अलग रखना चाहिए तो आई थिंक आपको थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। आप जब बाहर खाना खाने जाते हैं वो लोग कितनी अच्छी तरह से बर्तन साफ करते हैं, आप इसका क्या सवाल जाके करते हो किचन में? नहीं ना। एंड मेरे घर में हर बार खाना बनने से पहले और बाद में किचन पूरी तरह से साफ होती है। तो ऐसा नहीं है कि जिस कढ़ाई में मैंने अंडा बनाया है उसमें अंडा चिपका ही पड़ा है और उसमें मैं फिर खाना बना रही हूँ। और रही बात लहसुन की, मम्मी पापा लहसुन खा लेते हैं, इट्स जस्ट दैट कि उन्हें पसंद नहीं है इसलिए उनके लिए लहसुन वाला खाना नहीं बनता। पर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो खा ही नहीं सकते हैं, वो ट्राई करते हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो जो खाना सब लोग खाते हैं उसमें से वो लोग भी थोड़ा बहुत ट्राई तो करते ही हैं। ये जो पकौड़े हैं ना, आप इनको फुल फ्लेम पे मत पकाइएगा। पकौड़े वैसे भी फुल फ्लेम पे नहीं पकाए जाते, पर इसको अच्छे से कुक होने का टाइम दीजिएगा। आप देखिए कितने अच्छे फूल रहे हैं, बाहर से क्रंची और अंदर से एकदम सॉफ्ट आलू की वजह से बहुत टेस्टी लगते हैं, आप ट्राई कीजिएगा। साथ ही साथ बना रही हूँ मैं यहाँ पे चाय भी। और थोड़े थोड़े करके मैं सारे पकौड़े बना लूँगी। एक बार में 5-6 ही फ्राई हो रहे हैं तो सब लोग को गर्मा गर्म मिलता रहेगा। और ये आप मेरा कढ़ाई देखिए कितना जल गया है। उस दिन मम्मी ने जब भटूरे बनाए थे ना उस दिन ये इतना जल गया था। बट डोंट वरी, मैं इसे धीरे धीरे साफ़ कर ही लूँगी, इसको बहुत सफाई और घिसाई की ज़रूरत है, बट ये साफ़ हो जाएगा। मुझे कुछ कॉमेंट भी आ रहे थे, दी आपका कढ़ाई बहुत जल गया है, आई नो गाइज, पर ये साफ़ हो जाएगा। और ये पकौड़े आप खाइए केचप या चटनी के साथ, ऊपर से ज़रा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कीजिएगा, बहुत यम्मी लगता है। नाश्ते वाश्ते से फ्री होने के बाद मैंने घर की सफाई करी, लंच बनाया और लंच के तुरंत बाद में लग गए यहाँ पे मम्मी पापा के लिए तैयारी करने में। वो बेसिकली ट्रेन से जाने वाले हैं और बहुत वक्त लगता है ट्रेन से मेरठ तक पहुँचने में, तो इसलिए मैं उनको खाना वाना बना के देती हूँ हमेशा, जिससे उन्हें ट्रेन में बाहर का खाना ना खरीदना पड़े।
हमारे यहाँ पर सफ़र में रोटी देना अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए पूरियाँ ही बनाती हूँ मैं और आलू की सूखी सब्ज़ी, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन अपने आप में अच्छा भी लगता है स्वाद में और ये चल भी जाता है काफ़ी वक्त तक। सूखी सब्ज़ी फ्राई करके जब बनाते हैं तो उसकी लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाती है, पानी वाली सब्ज़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रही हूँ कि इनफ खाना मैं उन्हें दे दूँ कि उन्हें एक बार भी बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े, बिकॉज़ उनके स्टमक भी सेंसिटिव हैं, वो एजिड हैं थोड़े और इतनी सारी दवाइयाँ भी खाते हैं गाइज, तो इसलिए भी अच्छा है कि वो बाहर के अनहेल्दी फूड से बचे हैं, स्पेशली सफ़र के दौरान। सफ़र में तो अच्छे अच्छे लोग भी बीमार हो जाते हैं। और सुबह में लगभग इसी वक्त मोनू प्रियंका गए थे घर छोड़कर और मम्मी पापा भी बिल्कुल इसी वक्त चल दिए और हम लोग लेकर आए उन्हें रेलवे स्टेशन, और हम लोग उन्हें घर से लेकर आए, हमको पता था कि हम उन्हें छोड़ने जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, लेकिन पता नहीं क्यों प्लेटफॉर्म पे पहुंच के वो फीलिंग बहुत स्ट्रांग हो गई कि हाँ अभी ये लोग जाने वाले हैं। बहुत ही सैड अंदर से फीलिंग होने लगी, बच्चे तो रोने ही लगे, बड़ी माम भी बहुत रोने लगी, पता नहीं क्यों, मतलब पता था हमें कि वो जा रहे हैं पर प्लेटफॉर्म पर पहुँच के ये फीलिंग बहुत स्ट्रांग हो गई ट्रेन्स को आते जाते देख कर। सैड हो रहा है, बड़ी मॉम को आ जाओ यहाँ से बाय। और हम फिर घर लौट आए, किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। मैंने शाम की दिया बाती करी, ये दिया मैं जला रही हूँ और मंदिर में शर्मा जी पूजा कर रहे हैं, वहाँ का दिया उन्होंने जलाया। और बस मम्मी पापा को छोड़कर हम लोग घर पे आ गए हैं और जैसा कि आपने फुटेज में देखा, इतना सेंटिमेंटल इमोशनल माहौल वहाँ पे हो गया था। एक्चुअली हम लोग पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मम्मी पापा 20th को वापस जाएंगे, पर वो आज ही चले गए, आज यानी कि ट्यूसडे पापा के ऑफिस में ना एक्चुअली कुछ बहुत अर्जेंट आ गया, तो उन्होंने अपना जो रिजर्वेशन है वो प्रीपोन कर दिया और ट्यूसडे को ही उन्हें जाना पड़ा। बड़ा अजीब सा दिन था आज। आज मैंने कोई वीडियो अपलोड भी नहीं किया, मैं बात कर रही हूँ ट्यूसडे की, आज के दिन जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया और ऐसा कुछ खास शूट भी नहीं किया। सुबह सुबह जैसा कि मैंने आपको बताया था, दिखाया कि मोनू मतलब मेरे देवर देवरानी सुबह सुबह चले गए, पर हम लोग पूरी रात सोए नहीं थे। कल हम लोग मूवी देखने गए थे, उसके बाद बाहर ही खाना खाया, उसके बाद घर आके हम लोग बातें करने लगे
और पता नहीं क्यों ऐसे, जब शायद आपके साथ ये होता होगा, जब हम कहीं जाते हैं या कोई हमारे घर आता है तो जो लास्ट नाइट होती है ना उन लोगों के स्टे की या हमारे स्टे की, तो हम और भी ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। शुरू का एक दो दिन जो होता है वो थोड़ा सा फॉर्मेलिटी में या यू नो खुलने में निकल जाता है, लेकिन धीरे धीरे वक्त होता है कि हम बिल्कुल ही एक होकर रहने लगते हैं, बिल्कुल ही कंफर्टेबल होकर रहने लगते हैं, तब तक फिर वापसी का समय आ जाता है। तो वैसा ही कल हुआ, कल पूरी रात मतलब 5 बजे सुबह तक हम लोग बातें ही कर रहे थे, और उसके बाद फिर जाके हम लोग थोड़ा बहुत लेट गए क्योंकि थोड़ा सा नैप मिल जाए सबको तो अच्छा है आगे के लिए। और फिर सुबह सुबह वो दोनों चले गए, फिर उनको छोड़ने मैं नहीं जा पाई, बच्चों को स्कूल भेजना था, मम्मी पापा और शर्मा जी गए थे मोनू प्रियंका को छोड़ने के लिए। और फिर सारा दिन जैसा भी था मैं व्लॉग भी अपलोड नहीं कर पाई, काफ़ी बिजी भी दिन था, इमोशनल तो था ही। तो पता नहीं क्यों एनर्जी से नहीं रहती यार, इस घर में हम 4 ही लोग रहते हैं हमेशा से, लेकिन लोग आते हैं और फिर इस तरह से जब चले जाते हैं तो वही घर बिल्कुल उन्हीं हालातों में भी खाली खाली लगता है, अकेला अकेला लगता है। और एक ही दिन में सब लोग चले गए, अभी तक कल तक यहाँ इतना भरा पूरा सब कुछ लग रहा था, बहुत इमोशनल लग रहा है, बच्चे भी एकदम रोने लगे, मम्मी भी रो रही थी। तो आज मैं काफ़ी बिजी थी, सुबह मैं नाश्ता बनाया, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद सफाई वफाई ये सब चीज़ें अपना वक्त लेती हैं, उसके बाद मम्मी पापा को जाना था तो लंच बनाने के तुरंत बाद मैंने उनके लिए जो खाना वो ले जाने वाले थे बेसिकली आलू की सब्ज़ी और पूरी बनाई थी मैंने, साथ में थोड़े फ्रूट्स दिए, नमकीन बिस्किट स्नैक्स वगैरह दिए क्योंकि ट्रेन से जा रहे हैं तो थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है, और पापा डायबिटिक हैं तो उनके थोड़ा दवाइयों का ध्यान रखना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा खाने पीने का यू नो स्ट्रिक्ट रहता है दवाइयाँ अगर आप खा रहे हैं तो, इसलिए मुझसे जितना बन पड़ा मैंने कोशिश की है कि उनके ट्रैवल का जितना भी समय है उनको खाने पीने का शॉर्टेज ना हो। तो उस चक्कर में भी मैं कैमरा नहीं उठा पाई क्योंकि कैमरा लेकर काम करने में थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लग जाता है, और जब आपको उतनी एनर्जी फील नहीं हो रही है, आप इमोशनली वीक फील कर रहे हैं या टाइम नहीं है, तब पता नहीं क्यों शूट वूट करने का मन नहीं करता। लेकिन मैं आप लोगों से कनेक्टेड हूँ और आप लोग भी मुझे अपना समझते हो, तो आप लोगों को भी सब कुछ बताना ज़रूरी है, इसलिए मैं अभी आपसे ऐसे बात करके बता रही हूँ। बहुत ही आज जैसे पिछले 4 दिनों में जो खुशी मिली थी ना, लगता है जैसे किसी ने एक ही दिन में आज ही निचोड़ लिया, आज सब रोए किसी ना किसी मोमेंट पे, आज हमारे घर में सभी रोए। इट वाज अ वेरी वेरी इमोशनल डे। तो अभी देखेंगे हम लोग डिनर में क्या करते हैं, मुझे मालूम नहीं, एज सच तो शायद मैं कुछ बनाने वाली नहीं हूँ, थोड़ा दाल रखा है, थोड़ा आलू की सब्ज़ी रखी है, तो उसी से मिक्स एंड मैच करके कुछ बना लूँगी। कुछ करती हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगी, अदरवाइज़ ये व्लॉग में यहीं एंड करूँगी और आपसे मिलूँगी कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।